हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी नवरात्रि की रूटीन किस तरीके की होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो है, मैं सुबह नहा धो के आ गई थी और मैं मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही थी। मम्मी जी नहाने गई थी तो मैंने सोचा तब तक माता रानी को सजा देती हूँ, उनकी चुनरी वुनरी तैयार कर देती हूँ, सारी चीज़ें तैयारी कर लो तो फिर पूजा करना इजी हो जाता है। और मेरे यहाँ सुबह का रूटीन इस तरीके का हो जाता है गाइस कि सुबह इन लोगों को ऑफिस कॉलेज जाना होता है तो 8:30 बजे तक सबका लंच बॉक्स भी बना के देना होता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और इसको मैंने कम्प्लीट किया ही था, बगल में मम्मी बैठी थी। सो गाइस, फाइनली हम लोगों का पूजा वगैरह हो गया, मैंने और मम्मी ने पूजा कर लिया। जिनको ऑफिस कॉलेज जाना था वो लोग जा चुके हैं, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, भैया ऑफिस के लिए निकल गए, ये भी कॉलेज चले गए। तो इन मम्मी और मेरा फास्ट है, भैया और पापा और ये, इन लोगों का फास्ट नहीं है। तो इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में आज बना था पाव भाजी, तो इन लोगों ने नाश्ता किया और निकल गए। तो बाकी का सारा चीज़ें हो गया, मतलब नाश्ता वगैरह हो गया, पूजा हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने पहला पार्ट भी पढ़ लिया, बाकी का जो पार्ट है वो मम्मी कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद शाम को जो भी बचा रहेगा वो मैं कंप्लीट करूँगी। 9 पार्ट पूरे होते हैं, वो मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मम्मी को भी अच्छा लगता है, तो हम लोग के यहाँ होता है। बाकी हमारे यहाँ नवरात्रि कुछ स्पेशली नहीं सेलिब्रेट होती, कलश पूजन नहीं होता, क्योंकि पिछले साल तक मुझे याद है नवरात्रि यहाँ होती ही नहीं थी, जो कि नहीं सहता है। कुछ घर में ऐसा हुआ था पर किसी को बेबी हुआ है तो उसकी वजह से अब नवरात्रि स्टार्ट हो गया है। और कलश पूजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं कुछ गलत या मेरे से चाह के भी कोई चीज़ गलत ना हो इसके चक्कर में गाइस, मैं मतलब मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही करूँ, नवरात्रि में तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं हमारी नवरात्रि कैसी होती है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बाकी कमरे की हालत ऐसी है तो अभी बाकी के सफाई अभियान में हम लग जाएंगे, और उसके बाद देखती हूँ लंच में थोड़ा बहुत क्या बनाना है, उसके बाद मम्मी और मेरे लिए क्या बनाना है वो भी देखूँगी। अब उसके बाद भी आशवी को भी नहलाना है, वो नहाई भी नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, मतलब पूछना चाह रही थी कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं डेली व्लॉग लेके आऊँ? अगर आप सीरियसली चाहते हो कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो कोशिश भी करूंगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं। छोटा सा ही 5 मिनट का, 10 मिनट का, 6 मिनट का जो भी मैं व्लॉग बने वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि उसी के मतलब कमेंट्स के हिसाब से ही मैं कंटिन्यू करूँगी व्लॉग। तो आपको लिखना तो पड़ेगा, लिख के आप मुझे बताओगे कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है या नहीं, ठीक है? और उसके बाद आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसा है, और मैंने कुछ चीज़ें भी मंगाई थी वो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, फटाफट मैं अपने कमरे को सही करती हूँ पहले। 12 थी किचन की, तो मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैं पालक को चॉप कर रही थी। कल एक दिन पहले पालक आ गया था खरीद के और ये आधा से ज़्यादा ख़राब हो गया था, गल गया था बिल्कुल। तो जो सही था उसको मैं बॉईल करने के लिए निकाल ले रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आसवी के फीडिंग बॉटल को बॉईल करने के रख लिया, और उसके बाद सिंक में जो बर्तन थे उसको मैंने सोचा जूठा है यहाँ से एकदम क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मम्मी के लिए और कुछ अपने लिए बनाऊँगी, इसलिए किचन क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो सब मैंने फटाफट कर लिया। सो गाइस, फाइनली सारा काम हो चुका है, मैंने सारा काम कर लिया है, और इसके बाद मम्मी जी बैठी हैं पाठ करने के लिए, आसवी को भी नहला के रेडी कर दिया है। और तो हम लोग अपने खाने के लिए मैंने और मम्मी ने अभी छाछ पिया है, वो जो कि अभी गर्मी है ना तो ठंडा थोड़ा रहता है। और उसके बाद फिर उसके बाद मखाने की खीर मम्मी ने बना के रखी है, फिर हम वही खाएंगे दोपहर में, और उसके बाद फिर रात को जो बनाना होगा साबुदाने की खिचड़ी वगैरह वो सब बनाएंगे, इस टाइम नहीं बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है यार, फास्ट रहना तो कम से कम खाना चाहिए, आफ्टर ऑल फास्ट है। तो ये होता है मेरा रूटीन डेली का, जो कि इसमें भी इस ब्लॉग के थ्रू आपको पता चल रहा है कि ऐसा ही कुछ होता है रूटीन मेरा। और अब तो आसवी का स्कूल भी होने वाला है 28 से, तो वो कंटिन्यू स्कूल भी जाएंगी, तो फिर अर्ली मॉर्निंग और उठना पड़ेगा।
और तो ऐसा ही होता है। आप लोग बताइएगा कि नवरात्रि के दिन में आपके यहाँ क्या क्या होता है। मेरे मायके में तो कलश पूजा भी होती है, बहुत अच्छे से होता है। क्या सिखाएंगे, मिलाती हूँ। चलो बोलो सबको हेलो गाइस। अरे सबको हेलो तो बोलो। हेलो सबको बोलो, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। और बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। सबको पूछो कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? पूरे दिन व्लॉगिंग करती है, पता है पूरे दिन व्लॉगिंग करती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, क्या कर रहे हो गाइस? पता है मैं अपने बेबी को सुलाने जा रही हूँ, उसके सोने का टाइम हो गया है। पूरे दिन हेलो गाइस करके बात करती है। और अभी मैंने शैम्पू किया है, आज मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया। और मेरे बाल देखो कैसे हो रखे हैं, बाल कैसे लग रहे हैं। मैंने आशविका जो हेयर वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा कम था गाइस, तो मैंने ना इसके लिए एक हेयर ऑयल बनाई है। और तो वो ऑयल अगर आप लोग चाहोगे तो मैं शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट उसमें दिख रहा है उस ऑयल में। और मतलब उसके बाल तो आ ही रहे हैं, नए बाल भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ ना मुझे एक दो बाल शैम्पू जब मैं करके टॉल करती थी ना, मुझे उसके बाल निकलते हुए समझ में आ रहे थे, लेकिन वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई और उसके बाल ना बहुत स्मूथ और सॉफ्ट हो गए हैं। और मैं अब ना मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वही ऑयल लगाया करूँगी। ऑयलिंग में वैसे मैं वीक में ये दो बार करती हूँ, और दो बार करती हूँ तो मैंने सोचा है कि मैं वही करूँगी अभी। ओके ओके ट्रॉफी। चलिए गाइस अभी ऐसा ही रूटीन है, मम्मी जी पाठ कर रही है, पाठ करके उठेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या करें। मैंने थोड़ा सा रील भी शूट कर लिया और मतलब मोज के लिए किया। और इसके बाद लॉलीपॉप सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस मैं नहा कर आ गई थी और मैंने यहाँ पर शुरू कर दी थी शाम की आरती। और यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं यहाँ भी अकेली हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मम्मी थी नहीं घर पे, मम्मी पापा और भैया आशवी को लेकर गए थे जेड स्क्वायर फन सिटी, क्योंकि उसको घूमना था तो वो लोग ले गए थे घुमाने के लिए। घर पर मैं और प्रोफेसर ही थे। प्रोफेसर अपना क्रिकेट छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे और देवी जी घर में थी, तो जाहिर सी बात है हर कोई घर छोड़ के नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैं रुक गई, मैं भी नहीं गई। तो मैं यहाँ पर अभी शाम की आरती कर रही हूँ। सो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।